हेलो एंड वेलकम टू कॉन्ट स्टडी, दिस इज शेखर जी। और इस वीडियो में हमने जनरल इंग्लिश का लेक्चर 3 कवर किया है एज पर द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय GKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। अगर आपने अभी तक पहले 2 लेक्चर्स का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप जाके देख लीजिए, उसमें हमने टेंसेस कवर किया है। एंड अगर आपने अभी तक कॉन्ट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि तब जाकर आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रीअरेंजिंग जंबल सेंटेंसेस। ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम में जाके इसी में गलती करके आ जाते हैं। बट दिस इज़ अ मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक। इस टॉपिक से आपके मार्क्स स्कोर होता है। सो अगर इससे जितने भी मार्क्स आए, चाहे इस टॉपिक से 1, 2, 3 मार्क्स आए, मेक श्योर वो 3 मार्क्स या वो 1 या वो 2 जितने भी मार्क्स हो आप वो सब अटेम्प्ट कर पाए और वो करेक्ट हो। सो स्टार्ट करते हैं। जंबल वर्ड्स में हमारे पास क्या होता है, वर्ड्स उधर इधर मीन्स उल्टा पुल्टा, फाइन, वर्ड्स उधर इधर दिए हुए होते हैं और हमें उनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जिसका कुछ सेंस हो वो बनाना होता है। सो द फैक्ट हियर इज कि मीनिंगफुल सेंटेंस तो कोई भी बना सकता है, मीन्स चलो 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 बार नहीं 10 बार नहीं 20 बार नहीं में तो बन जाएगा। बट द थिंग इज कि टाइम वहाँ पे नहीं होता हमारे पास कि हम इन क्वेश्चंस पर अपना 1 मिनट 2 मिनट दे दें। सो दैट बिकम्स वेरी फैटल फॉर अस। इसलिए हमें क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप जल्दी से एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेयर इट इज़ अ गर्ल आई ब्यूटिफुल एम। ये मैंने पहले बहुत ही ईजी और बेसिक से सेंटेंसेस लिए हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। देखो इसमें ट्रिक क्या यूज़ की जाती है, ट्रिक होती है हम पहले देखते हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है। फाइन, सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में 3 चीज़ें होती है टू मेक इट सेंसफुल सेंटेंस। हमारे पास उसमें 3 चीज़ें होती है, एक तो सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अब ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, देखो आपको बस ये 3 चीज़ें समझनी है, उसके बाद आप सेंटेंस बना पाओगे और बहुत ही ईजी होगा आपके लिए। सो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट सिंपली आप याद रखो, सब्जेक्ट वो चीज़ होती है या वो इंसान होता है जिसको हम डूअर ऑफ द एक्शन यानी जो काम कर रहा, किसी भी सेंटेंस में जो चीज़ काम कर रही हो, जो इंसान काम कर रहा हो उसको सेंटेंस कहते हैं। अब सिर्फ उसको नहीं सेंटेंस कहते जो काम कर रहा हो, जिसके बारे में बात हो रही हो, चाहे जो इंसान या जो चीज़ काम कर रही हो या जिसके बारे में बात हो रही हो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में ऐसी चीज़, ऐसा इंसान जो काम कर रहा हो या ऐसी चीज़, जगह, इंसान जिसके बारे में काम हो, सॉरी, जिसके बारे में बात हो रही हो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फाइन, अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली सब्जेक्ट या तो आपके पास नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो जब भी आप सेंटेंस में सबसे पहले जब जंबल्ड वर्ड्स दिए हुए होते हैं आप उसमें नाउन या प्रोनाउन ढूंढो। अगर आपको प्रोनाउन मिल जाता है तो वो जो भी प्रोनाउन है, आई, ही, शी, ओके, उसको पहले लिख दो, ठीक है। या फिर अगर प्रोनाउन नहीं है तो नाउन नाम ढूंढने की कोशिश करो, और अगर आपको मिल जाता है तो पहले वो लिख दो, ठीक है। दूसरा होता है वर्ब, उसके बाद वर्ब ढूंढने लगो। आपने नाउन ढूंढ लिया, नाउन या प्रोनाउन वहाँ पे कुछ भी होगा वो आपने लिख लिया, उसके बाद अब वर्ब ढूंढो। वर्ब तो सबको पता है, कोई भी एक्शन। लेकिन अब क्या होता है, सिर्फ वर्ब एक्शन नहीं होता, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं, मॉडल वर्ब्स भी हो सकते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब आते हैं, ठीक है। सो वर्ब्स में सिर्फ एक्शन नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। और अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो दूसरी जगह आप हेल्पिंग वर्ब को दोगे। हेल्पिंग वर्ब ना हो, मे बी मॉडल वर्ब्स हो। मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, मस्ट, माइट, मे, ये सब होते हैं
मॉडल वर्ब्स। तो सबसे पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढोगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। सब्जेक्ट बोलते किसको, जो काम करे या जिस पर बात हो रही हो, ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट। उसके बाद आप वर्ब ढूंढोगे। वर्ब या तो कोई एक्शन होगा, एक्शन नहीं मिले तो हेल्पिंग वर्ब्स ढूंढने की कोशिश करो, इज एम आर, उनको दूसरी जगह रख लो। हेल्पिंग वर्ब्स भी ना हो तो मॉडल वर्ब्स ढूंढो, फाइन। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्ट, फिर जो भी बचे उसको ऑब्जेक्ट में रख दो, ठीक है। तीन ही चीज़ है, क्योंकि अब जब थोड़ा पहला बिगनिंग आपकी बन जाएगी ना, आपके पहले वर्ड्स अरेंज हो जाएंगे, फिर आगे अरेंज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। सो ये ट्रिक हम यूज़ करेंगे टू सॉलो द पार्ट्स। यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे अ गर्ल, आई ब्यूटिफुल एम, मैंने कहा था सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट क्या है? नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पे आई प्रोनाउन है तो आई को यहाँ से कट करके यहाँ पे लिख लेते हैं आई, ठीक है। उसके बाद अब एक पार्ट तो हो गया, सब्जेक्ट मिल गया हमें, अब हमें ढूंढना है वर्ब। वर्ब में मैंने कहा था इट कैन बी एक्शन, इट कैन बी हेल्पिंग वर्ब, इट कैन बी मॉडल वर्ब। तो यहाँ पे अगर हम देखें एम हेल्पिंग वर्ब है तो आई एम, ये भी खत्म हो गया। अब क्या बचा? बचा गर्ल ब्यूटिफुल, आई एम। तो अब इन चीज़ों को अकॉर्डिंगली अरेंज कर दो। अब तो ये बहुत ईजी है, आई एम अ ब्यूटिफुल गर्ल, फाइन। सो दिस इज आई एम अ ब्यूटिफुल गर्ल। नेक्स्ट पे आता है राइटिंग इज होमवर्क फरहान। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। देखो प्रोनाउन तो इसमें नहीं है, बट इसमें नाउन है फरहान, तो पहली पोजीशन फरहान को, ठीक है, फरहान चला गया। अब क्या बचता है? अब हमें इसके बाद ढूंढना है वर्ब। देखो ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ब होगा, दोनों भी हो सकते हैं। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, इसमें वर्ब भी है, ठीक है। तो इसमें इज राइटिंग, तो दोनों साथ में आ जाएंगे क्योंकि दोनों को सेकेंड प्लेस मिलेगी। तो फरहान इज राइटिंग, दिस इज थर्ड। तो बचा क्या? होमवर्क। फरहान इज राइटिंग होमवर्क, दिस इज सॉल्व्ड। आई होप आपको समझ आ रहा। और सबसे बड़ी ट्रिक जो जंबल्ड सेंटेंसेस के लिए है वो है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा सेंटेंसेस प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा इन पे आपको होल्ड आ जाएगा, फाइन। तो आगे चलते हैं, तो अब हम कुछ पार्ट्स की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। आर मशीन्स टू थिंक रोबोट्स दैट यूज अ कंप्यूटर ब्रेन। तो स्टार्ट करते हैं पहले, और आपको कभी कभी छोटी छोटी ट्रिक्स भी यूज़ करनी होगी। देखो आर मशीन्स, ये तो पहला नहीं आ सकता ना, टू थिंक ये भी कुछ अधूरा सा लग रहा है। तो हमें जो पहला, तो देखो रोबोट्स नाउन है, ठीक है, रोबोट दिस इज अ नाउन दैट यूज अ कंप्यूटर ब्रेन। तो पहला हम रोबोट्स लिखेंगे, ठीक है, तो रोबोट चला गया रोबोट्स। उसके बाद चलो सब्जेक्ट हमें अपना मिल गया, अब क्या ढूंढना है? वर्ब ढूंढना है। वर्ब मीन्स वो एक्शन हो सकता है, इसमें तो एक्शन कहीं नहीं है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखो आर, यहाँ पे आर के साथ मशीन्स भी है, तो दिस बिकम सेकंड, रोबोट्स आर मशीन्स, ओके। अब देखो बचा क्या? टू थिंक दैट यूज अ कंप्यूटर ब्रेन। अब इनको आप अकॉर्डिंगली अरेंज कर लो, रोबोट्स आर मशीन्स दैट यूज अ कंप्यूटर ब्रेन टू थिंक। सो दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। पहली दो चीज़ें जब अरेंज हो जाती है तो बाकियों को अरेंज करना ईजी हो जाए, क्योंकि फिर आधा सेंटेंस हमारे पास आ गया होता, आधा मीनिंग आ गया होता, फिर हम बाकी बची हुई चीज़ों को अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आर सेंट कंप्यूटर ब्रेन इन द रोबोट्स पार्ट मैसेज फ्रॉम द टू मोटर्स। देखो सबसे पहले इसमें हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। आर सेंट तो नहीं हो सकता, कंप्यूटर ब्रेन, देखो कंप्यूटर ब्रेन मे बी ये सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो इसको फिलहाल ऐसे रखते हैं। इन द रोबोट ये तो नहीं है, मैसेज, मैसेज भी सब्जेक्ट हो सकता है, फ्रॉम द टू। अब देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो कंप्यूटर ब्रेन सब्जेक्ट होगा उसके बारे में बात हो रही होगी, या मैसेज के बारे में बात हो रही होगी। अब कैसे पता चलेगा दोनों में कौन है? नेक्स्ट वर्ब जो है वो हमारी मदद करेगा। वर्ब इसमें क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब आर सेंट, फाइन। सो दिस इज सेकेंड। अब देखो कंप्यूटर ब्रेन आर सेंट आएगा या मैसेज आर सेंट आएगा, क्योंकि आर मीन्स प्लूरल, तो इससे पहले जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल रहा होगा। यहाँ पे कंप्यूटर ब्रेन सिंगुलर है तो मैसेज इज द प्लूरल, सो मैसेज आर सेंट, ओके, दीज टू आर गॉन। मैसेज सेंट होती है, ठीक है। फिर देखो हमारे पास कहाँ से कहाँ मैसेज सेंड होती है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कहाँ से कहाँ। हमारे पास फ्रॉम द भी है, टू द भी है, सो फ्रॉम द बिकम्स थर्ड, मैसेज आर सेंड फ्रॉम द। मैसेज सेंड होती है कहाँ से? अब हमारे पास बचता है कंप्यूटर ब्रेन इन द रोबोट पार्ट्स टू मोटर्स। तो अगर हम इनको अकॉर्डिंगली अरेंज करें, मैसेज आर सेंड फ्रॉम द
कंप्यूटर ब्रेन ओके टू द आर सेंड फ्रॉम द कंप्यूटर ब्रेन टू मोटर्स इन कंप्यूटर इन द रोबोट पार्ट्स ठीक है इज दिस क्लियर मैसेज आर सेंड इतना तो हमने बना लिया था अपनी वो ट्रिक यूज करके उसके बाद फ्रॉम द कहाँ से अब वहाँ से कॉमन सेंस यूज होता है जब मैसेज सेंड होगी वो ब्रेन से ही सेंड होगी फ्रॉम द कंप्यूटर ब्रेन टू मोटर्स कहाँ पे इन द रोबोट्स पार्ट्स ठीक है तो मैं आपको फिर से बताती हूँ आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा समझ आएंगी ये चीज़ें बस एक बार सब्जेक्ट पहचान लो वर्ब पहचान लो उसके बाद बाकी चीज़ों को अकॉर्डिंगली अरेंज कर दो फाइन आगे बढ़ते हैं द वार्मिंग इंक्रीज ड्राइवर डाइऑक्साइड प्राइमरी ग्लोबल इज कार्बन ऑफ और सबसे पहले आप एक चीज़ क्या करो जो चीज़ें आपको लगती है कि साथ में होंगी जैसे यहाँ पे कार्बन के साथ क्या होगा डाइऑक्साइड सो कार्बन एंड डाइऑक्साइड इनको जोड़ दो ठीक है ये एक बन जाता है ग्लोबल के साथ क्या होगा वार्मिंग सो ग्लोबल वार्मिंग एक सेंटेंस वर्ड है सॉरी सो ग्लोबल वार्मिंग ठीक है सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज ग्लोबल वार्मिंग अब हमें इनको इंक्रीज करना है कार्बन डाइऑक्साइड भी नाउन है ग्लोबल वार्मिंग को भी हम नाउन ले सकते हैं देखिए अब बचता क्या है ये और ये ये और ये तो हमने बना दिए सेंटेंस अब हमें इनको अकॉर्डिंगली अरेंज करना है तो बचता है द इंक्रीज्ड ड्राइवर प्राइमरी ड्राइवर और एक वर्ड है तो इसको भी हम जोड़ देते हैं प्राइमरी ड्राइवर ओके तो अब देखो आपके पास जुड़े हुए वर्ड्स है अभी बहुत कम हो गए बिकॉज ये अब एक वर्ड बन चुका ये दो एक वर्ड बन चुके ये दो अब इनको अकॉर्डिंगली अरेंज करना हमें पता है कि जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा जितनी उसकी लेवल बढ़ेगी उतनी ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी तो उसको इसको इसी अकॉर्डिंग अरेंज करो कि इस सेंटेंस का मीनिंग यही आए कि जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतनी ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी सो अगर हम देखें इट विल बी इंक्रीज्ड ओके पहला इंक्रीज्ड क्या इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ओके इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इज द थर्ड इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सो द सेंटेंस बिकम्स इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एम आई क्लियर तो देखो किसी जगह ना मतलब दिमाग लगाना पड़ता है कि किन दो सेंटेंस को मिलाएंगे फिर कैसे मीनिंग बनेगा सो कभी कभी आपको मतलब खुद से ही ट्रिक निकालनी होती है तब जाके आपको ये वर्ड जो है सेंटेंस जो सॉल्व हो जाता है फाइन आगे चलते इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्रैक्टिस इट नीड्स प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से और उतना क्विकली आपको ही आ जाएगा Own their life over confident thoughts, people wither. देखो यहाँ पे noun ढूंढने की कोशिश करते हैं over confident noun है देखो अगर over confidence होता तो ये noun नहीं होता but it is over confident. This is noun. Fine. उसके बाद thoughts, people भी noun है तो चलिए या तो पहले people होगा या तो over confident होगा ठीक है over confident people. So अगर हम इन दोनों को मिलाए तो this becomes one सेंटेंस मतलब सेंटेंस नहीं सॉरी तो ये वर्ड्स मिल रहा है आपस में ओवर कॉन्फिडेंट पीपल पीपल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोल सकते बट हम बोल सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंट पीपल सो इसको वन रखते हैं इसको टू रखते हैं फिलहाल के लिए इसलिए मैं आपको कह रही हूँ जब हम ये सॉल्व करें प्लीज़ आप सामने नोटबुक और कॉपी नोटबुक और पेन रखिएगा और साथ में आप ये कीजिएगा मेरे सॉल्व सो दिस इज ओवर कॉन्फिडेंट पीपल अब बचा क्या विद इन थॉट्स लिव देयर ओन सो अब इनको अकॉर्डिंगली अरेंज कर दीजिए ओवर कॉन्फिडेंट जो ओवर कॉन्फिडेंट पीपल होता है वो क्या करते हैं वो अपने में ही रहते हैं ठीक है अपने ही ख्यालों में रहते हैं सो ओवर कॉन्फिडेंट पीपल लिव विद इन देयर ओन थॉट्स बन गया सेंटेंस कि ओवर कॉन्फिडेंट पीपल जो होता है जो ओवर स्मार्ट खुद को समझते हैं वो अपने ही थॉट्स में रहता है ठीक है सो सॉल्व्ड आगे चलते हैं Hornbill the named is Indian after the festival. So यहाँ पे हमारे पास Hornbill भी noun है Indian भी noun है and festival भी noun है So देखते हैं Hornbill the named is Indian after the festival. देखो इन वर्ड से उधर इधर मीनिंग है बट हमें समझ आ रहा है कि किसी फेस्टिवल का इंडियन फेस्टिवल का नाम Hornbill रखा गया है So पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन फेस्टिवल Fine. Indian festival is named After the Indian festival is named after the Hornbill. यहाँ पे दो
द यूज हुआ है, तो पहले एक को लगा देते हैं, नेक्स्ट फिर दूसरे को लगाएंगे। द इंडियन फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द हॉर्नबिल। ओके, इंडिया के एक फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल रखा गया है। हॉर्नबिल एक बर्ड है। सो आगे चलते हैं। ड्रग्स इन्वेंटेड वन मैन ऑफ यूजफुल इज पेनिसिलिन मोस्ट द। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, इन जंबल वर्ड्स पढ़ने के बाद समझ आ रहा है पेंसिलिन के बारे में बात हो रही है। तो पहले पेंसिलिन को ही लेते हैं। पेंसिलिन, अब क्या बचा? ड्रग इन्वेंटर वन मैन ऑफ यूजफुल इज मोस्ट द। सो पेंसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग इन्वेंटेड बाय मैन। बाय तो नहीं है यहाँ पे, मे बी यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे बाय होना चाहिए था, बाय मैन। ओके, सो पेंसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग इन्वेंटेड बाय मैन। फाइन, इसका भी मीनिंग आ रहा है। आगे चलते हैं। लव इंडियन सेलिब्रेट टू फेस्टिवल्स। सो ये तो बहुत सिंपल सा सीधे दिमाग में आ रहा है, इंडियंस लव टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। इंडियंस लव, लव इज द वर्ब, इंडियंस द नाउन। Indians love to celebrate festivals. Today with their the engaged children born our hands. तो यहाँ पे बात बच्चों की हो रही है, तो बच्चों को पहले लेते हैं childrens, उसके बाद helping verb are, childrens are, okay, childrens are, तो उसके बाद देखो childrens are hands तो नहीं आएगा, gadgets तो नहीं आएगा, childrens are born, okay, this is fine, childrens are born. With gadgets in their hands today. But today देखो, today को हम last में लगाएंगे तो उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे, today को पहले लगा देते हैं, क्योंकि देखो sentence तो हमारा बन गया, children are born with gadgets in their hands. Okay, फिर दा बचता है, उसको हम पहले लगा सकते हैं, the children are born with gadgets in their hands. फिर बचता टुडे, देखो टुडे को लास्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर पहले लगाएंगे तो ये ज्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा, तो हम इसको चेंज करते हैं। टुडे द चिल्ड्रन आर बॉर्न विथ गैजेट्स इन देयर हैंड्स। फाइन, तो जब भी आप जंबल्ड वर्ड्स को सॉल्व करो, ऐसा नहीं है कि आपको पहली बारी में आंसर आ जाएगा, लेकिन पहली बारी में जब आप सॉल्व करते हो ना, तो आपको समझ आ जाता है कि कौन सा अप्रोच करें, आप कैसे करें, लास्ट में एक वर्ड जो बच जाता है उसको कहाँ पे फिट करें। फाइन, सो दिस इज सॉल्व्ड। इवन अवे सम स्टे पीपल फ्रॉम वर्क, लोगों की बात हो रही है तो पहले लोगों को ही ले लेते हैं। ओके, पीपल, पीपल, ओके, सम पीपल, ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, सम पीपल। सो सम पीपल बचता क्या है, इवन अवे स्टे वर्क फ्रॉम, सम पीपल इवन स्टे अवे फ्रॉम वर्क, बन गया सेंटेंस, सम पीपल इवन स्टे अवे फ्रॉम वर्क। आपको जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना जल्दी आप समझ पाओगे वर्ड्स को, ठीक है, कि सेंटेंस कैसे बना है। देखो पहले दो वर्ड जब अरेंज हो जाते हैं, उसके बाद फिर बहुत इजी होता आगे अरेंज करना। सो पहले दो वर्ड्स आप अच्छे से अरेंज कर लो और बाकी चीज़ों को एक बार पढ़ा करो, और जब आप ये जंबल वर्ड्स पढ़ते हो ना, तो जंबल वर्ड्स के बाद दिमाग में सोचा करो कि इसका मीनिंग क्या आ रहा है तो और क्या हो सकता है मीनिंग। फाइन, चलिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। पॉवर्टी द विलेज पीपल फ्रॉम मोस्ट सफर ऑफ। देखो अगर हम इसका मीनिंग निकालें, गरीबी गाँव के लोग सफ़र करते हैं, तो इंस क्या हो सकता है, गांव के लोग गरीबी बहुत सफर करते हैं, गरीबी से सफर करते हैं। सो द विलेज पीपल सफर, द विलेज पीपल सफर मोस्ट ऑफ फ्रॉम दू। ओके, द विलेज पीपल हमने लिया, बट यहाँ पे मोस्ट भी है, ठीक है, तो ज्यादातर गांव वाले। फाइन, तो पहला हम ले लेते हैं मोस्ट को, मोस्ट ऑफ द विलेज पीपल सफर फ्रॉम पॉवर्टी, ज़्यादातर गांव के लोग गरीबी के शिकार हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं। वेरी एक्साइटिंग कैन बी न्यू कंट्री ट्रैवलिंग टू आ, अगर हम इस खतरे को मीनिंग निकालें, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है नई कंट्री ट्रैवल करना। सो नई कंट्री ट्रैवल करना बहुत एक्साइटिंग होता है, ठीक है, बहुत एक्साइटिंग हो सकता है। सो ट्रैवलिंग टू, पहले स्टार्ट करते हैं, ट्रैवलिंग टू अ न्यू कंट्री, सॉरी अ न्यू कंट्री, ट्रैवलिंग टू अ न्यू कंट्री कैन बी वेरी एक्साइटिंग। तो जब आपको कुछ समझ ना आए तो इन जंबल वर्ड्स का दिमाग में मीनिंग निकाला करो, क्या निकल रहा और फिर इनको क्या होना चाहिए था। फाइन, स्टैंडिंग एट द वन डे आई बीच वॉज, सो खड़ा था या खड़ी थी बीच पे एक दिन मैं, ठीक है, क्या हो सकता है, मैं एक दिन बीच पे खड़ी थी। आई वॉज स्टैंडिंग एट द बीच वन डे, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या वन डे आई वॉज स्टैंडिंग एट द बीच, आई वॉज स्टैंडिंग एट द बीच वन डे, ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले वन डे लिख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं ना तो हम कहते हैं एक दिन मैं बीच पे खड़ी थी, तो ऐसे हम नहीं बोलते मैं बीच पे खड़ी थी एक दिन। सो इसको अब ठीक से अरेंज करते हैं, सॉरी, सो इट विल बी वन डे आई वॉज स्टैंडिंग एट द बीच। फाइन, आई होप आपको ये समझ आ गया हो कैसे करते हैं। और मैं फिर से एक बार कहती हूँ, इट नीड्स प्रैक्टिस, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जल्दी जल्दी ये आ जाएंगे, और आपको उधर एग्जामिनेशन हॉल में आपको उतना टाइम भी नहीं लगेगा ये सॉल्व करने में। और ये बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी स्टूडेंट्स हमेशा इस बार इसमें गलती कराते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी उन पर बहुत प्रेशर होता है, तो प्रेशर में वो चीज़ें समझ ही नहीं पाते, उनसे सेंटेंस नहीं बन पाते। आप बिल्कुल काम माइंड करके सबसे पहले आप इसको अप्रोच कीजिए, सब्जेक्ट ढूंढिए, हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए, नहीं हो रहा है वैसे फिर एक काम कीजिए, इन सब वर्ड्स का मीनिंग निकालिए, ठीक है, और उनको फिर सोचिए क्या हो सकता है, उसके बाद अकॉर्डिंगली अरेंज कीजिए। और अगर पहली बार में नहीं होता है, जो सेंटेंस सॉरी जो वर्ड्स बच जाते हैं उनको उसमें फिट करने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट मतलब दूसरी बार फिर से ट्राई कीजिए, दूसरी बार नहीं तीसरी ट्राई में ये होगा ही होगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब ये एक्सरसाइज है आपके लिए, आप ये वर्ड्स एक बार पढ़िए, आप इनको अप्रोच कीजिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले मेथड से, नहीं होता उससे उसके बाद मीनिंग वाले मेथड से कीजिए, ठीक है। आप ये सब एक बार देख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके आप ये कर दीजिए, और इनके आंसर्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी मैं आपको इनके आंसर्स दे दूँगी, और अगर आपको उससे पहले आंसर चाहिए सो आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, वहाँ पे अगर आपके कुछ डाउट्स भी है वो भी मैं क्लियर करूँगी, एंड आपको डिटेल्ड आंसर मिल जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, नीचे अपने आंसर्स लिखिएगा, और अगर कोई क्वेरी भी है आप नीचे पूछ सकते हैं, और अगर कुछ भी डाउट्स है डिटेल डिस्कशन चाहिए होगा तो मेरी टेलीग्राम चैनल ask_अर्शी पे आइए। थैंक यू एंड गुड लक।